हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चों देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में, जो कि हमारे एक लाइफ प्रोसेसेस का एक पार्ट है। और हम लोगों ने ये देखा था कि बेसिकली हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन का यूज करते थे, और उस एरोबिक रेस्पिरेशन से हम क्या करते थे, हम बेसिकली पाइरूवेट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते थे और हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाती थी। तो यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई मेरे को कि अब ये जो है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, पड़ रही है ना, ऑक्सीजन की तो ज़रूरत पड़ी, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, और फिर उस ऑक्सीजन वो कहाँ तक गया, वो हमारे बॉडी के सेल तक गया, एंड देन फर्दर वो जो सेल जो है फिर से क्या किया उसने, उस ऑक्सीजन को फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम ये जो टॉपिक है, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, हम वो पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज के बारे में, और इसमें एक और आपका टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके भी बारे में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली ये जो ऑक्सीजन आने का जो काम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो जाने का काम हो रहा है, तो ये एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। तो आप बने रहो मेरे साथ और पढ़ते रहो, इस वीडियो को आप देखते रहो, पेन और कॉपी निकाल लो और चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ऐसा तो है नहीं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस केवल हम ही लोग कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या, जैसे अगर हम लोग अपने ह्यूमन की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब सिमिलरली थोड़ा सा हम पहले प्लांट्स के बारे में समझते हैं कि प्लांट्स बेसिकली कैसे एक्सचेंज करते हैं। पास में ना, ये आपके एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक एकदम लाइन बाई लाइन आप मेरे साथ चलते रहो। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता दो, और हाँ देखो थोड़ा कमेंट करके बता दिया करो कि सर ने अच्छा पढ़ाया है, सर ने खराब पढ़ाया है, सर ने बहुत खराब पढ़ाया है, ये चीज़ें मेरे को कम से कम बता दो, ताकि मुझे एक मैं क्या हो ना कि मतलब मुझे एक थोड़ा सा क्राइटेरिया बदल जाए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ कैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो मेरे को कमेंट करके बता दिया करो। देखो तो समझते हैं प्लांट में बेसिकली गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। देखो तो बेसिकली हम लोगों को पता है कि जो प्लांट्स है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, किसके थ्रू एक्सचेंज करते हैं भाई, आप लोग ये पहले ही पढ़ चुके हो, स्टोमेटा के थ्रू करते हैं ना, स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अच्छा अब कैसे करते हैं, तो बेसिकली एक प्रोसेस होता है डिफ्यूज़न। बेसिकली होता है कि आप लोग में से कई लोग डिफ्यूज़न को जानते हो कि और कई लोग डिफ्यूज़न नहीं जानते हो। देखो डिफ्यूज़न में बेसिकली होता क्या है कि जो हायर कंसंट्रेशन की जो गैसेज होती हैं, हायर मतलब इसमें बेसिकली होता क्या है कि गैसेज जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलती हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। बस इतनी बात याद रखना, और यही आपके इस चैप्टर का मेन कंक्लूज़न है। हमारी बॉडी में जो भी गैसेज का जो एक्सचेंज हो रहा है वो इसी डिफ्यूज़न की वजह से ही होता है। चलो तो डिफ्यूज़न सर आपको समझ में आ गया कि डिफ्यूज़न सर ने क्या बताया है कि बेसिकली क्या होता है कि डिफ्यूज़न में गैसेस का एक्सचेंज होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब हम इसको थोड़ा सा और अभी डिटेल में भी समझेंगे। अच्छा तो अब देखो क्या होता है कि जो सेल प्लांट्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली प्लांट्स के जो सेल होते हैं, ठीक है ना, द सेल ऑफ प्लांट इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस बाई डिफ्यूज़न। अब ये जो होता है बेसिकली ये जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, तो हम एक प्रोसेस जानते थे, फोटोसिंथेसिस होती थी, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनता था, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता था प्लांट्स के अंदर, एंड देन फिर जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होते थे वो ऑक्सीजन बनाते थे, और फर्दर वो ग्लूकोज बनता था, और फिर जो ऑक्सीजन है वो प्लांट बाहर छोड़ देता था, निकाल देता था एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो अब वो एग्जैक्टली होता कैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। देखो अब बेसिकली ये जो डिफ्यूज़न का ये जो काम हो रहा है, यानी कि गैसेज जो बाहर निकल रही हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही हैं, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, ठीक है, प्लांट्स के आसपास का जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ, मान लो रात का समय है, ठीक है, आप जो प्लांट है वो मान लो रात के समय देखो क्या करेगा, तो बेसिकली रात का समय है, तो अब मेरे को ये बताओ कि जब रात का समय है तो अब वहाँ पर कोई फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बात समझना, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स ने जो दिन के समय में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड ली हैं वो तो वेस्ट है, वो तो वेस्ट है ना, अब उनका वो क्या यूज़, भाई फोटोसिंथेसिस होता तब कार्बन डाइऑक्साइड का वो यूज़ प्लांट करते, लेकिन वो तो वेस्ट हो गया, तो क्या होगा कि जब वो एक्सेस अमाउंट में हो गई प्लांट के अंदर, बात समझना, ये जो CO2 है वो प्लांट के अंदर एक्सेस अमाउंट में हो गई, मतलब कंसंट्रेटेड अमाउंट में हो गई, तो अब क्या करना है, इन CO2 को प्लांट्स अपने अंदर से बाहर निकालेगा, कहेगा भाई ये तो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट की तरह है, बाहर इनको निकालो। फोटोसिंथेसिस का जब काम हो ही नहीं रहा है, जब इस CO2 का जब कोई यूज़ है ही नहीं अभी, तो ये मेरे पास एक्सेस अमाउंट में है, इसको बाहर निकाल दो। तो इसलिए रात के समय जो प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड खुद से नहीं बनाते, बेसिकली जो भी अमाउंट वो कार्बन डाइऑक्साइड की दिन के समय में वो जो ले लेते हैं, ठीक है, जब रात में जब उस कार्बन डाइऑक्साइड की जब कोई यूज़ नहीं होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा रात के समय में, तो जब यूज़ नहीं होती तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। आ रही बात समझ में, चलो इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब दिन के समय में देखते हैं क्या होता है, दिन के समय में क्या होगा, देखो ड्यूरिंग द डे CO2 इज़ जनरेटेड, तो भाई दिन के समय में क्या होता है, CO2 क्या होगा बेसिकली,
जो अब जो सी ओ टू जो भी जनरेट हो रहा है वो क्या होगा, वो प्लांट एब्जॉर्व करेगा, और प्लांट उसको एब्जॉर्व करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बना देगा, जो उस सी ओ टू को बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। तो अब देखो क्या हुआ कि दिन के समय जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले रहा है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट होकर के इसमें बदल जा रहा है, ऑक्सीजन बदल जा रहा है। अब क्या हुआ कि दिन के समय जो प्लांट्स में ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में हो गया, बात समझना, दिन के समय जो प्लांट्स है उस प्लांट्स में क्या हो गया, ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में हो गया, नहीं कि अब उसमें ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कंसनट्रेटेड अमाउंट में हो गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे डिफ्यूजन में आपको क्या बताया गया है कि डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो गैसेज हैं वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती, तो अब उस प्लांट में जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड अमाउंट में हो गया दिन के समय में। तो अब क्या कहेगा भाई स्टोमेटा को, भाई अपना जो स्टोमेटा जो पोर्स है वो ओपन करो, यहाँ से हमें ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। तो इस तरीके से ये जो एक्सचेंज का जो काम हो रहा है गैसेस का, गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है प्लांट्स में, वो बेसिकली इस तरीके से होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन को देख करके होता है। ये बातें आ गई समझ में। तो अगर अपने लोगों की बात करें तो देखो अब हमारे लोगों में क्या होता है, अब बेसिकली अब हम लोग अगर अपने की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो अब एनिमल्स में बेसिकली क्या आएंगे, दो टाइप्स के होंगे, एक हमारा आएगा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एक हमारा आएगा एक्वाटिक एनिमल्स, आएगा ना, ठीक है। तो देखो अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो बेसिकली, हम पहले बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, मतलब जो ज़मीन पर रहते हैं, ऐसे ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं। अब देखो ये बेसिकली क्या करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं अपने एटमोसफियर से, लेकिन अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की तो ये क्या करते हैं, तो ये बेसिकली ऑक्सीजन तो लेते हैं लेकिन कैसे, इनकी जो ऑक्सीजन होती है वो पानी में डिसॉल्व होती है, मतलब घुली हुई होती है, मतलब क्या करना पड़ता है, अब इनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। वो क्या करते हैं कि इस डिसॉल्व मतलब इस वाटर में से जो जो भी ऑक्सीजन जो डिसॉल्व है उसको पहले बाहर निकालते हैं, देन वो फिर अपनी बॉडी के उसको उस ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत का काम है, मतलब यहाँ से पहले पानी से क्या करना है, पहले पानी से इस ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, देन उसको अपने बॉडी के अंदर इनटेक करना है। बेसिकली इसका इसके देखो इसकी वजह से क्या होता है कि आप देखे होगे कि आपकी जो जो मछलियाँ होती हैं, ठीक है, जो फिश होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा जल्दी जल्दी क्या करते हैं, ब्रीदिंग लेते हैं, है ना, बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो बेसिकली ये रीज़न है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में होता है जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में होता है, तो जिसकी वजह से, ठीक है, एटमोसफियर के कंपेरिजन में जो अमाउंट होता है वाटर में ऑक्सीजन का, वो एटमोसफियर के कंपेरिजन में काफ़ी कम होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उनकी यानी कि जो रेट ऑफ जो ब्रीदिंग है वो बहुत तेज़ी से होने लगती है। बातें आ रही हैं समझ में आप लोगों को? ओके, तो हम लोगों ने गैसेस एक्सचेंज हमने देख लिया कि एग्जैक्टली जो एनिमल्स हैं वो कैसे करते हैं और जो ह्यूमंस हैं वो कैसे करते हैं। अच्छा, अब मेरे को आप यहाँ पर ये बता दो, अब देखो बेसिकली क्या है कि गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या है कि हमें कुछ ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ते हैं ना भाई। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर मान लो फिश है, ठीक है, तो फिश में बेसिकली ऐसा कौन सा ऑर्गन है भाई कि जो उसको ऑक्सीजन लेने में हेल्प करता है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन को निकालने में हेल्प करता है, तो गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं। आ रही बात समझ में? आपने कहा अरे सर ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, क्या मतलब, तो बच्चा बच्चा जानता है, गिल्स की वजह से वो अपने ऑक्सीजन को वो लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है भाई, ये बच्चे जानते हैं, तुम बता दो इसका अर्थवर्म, अर्थवर्म बेसिकली अर्थवर्म में ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन टेक करते हैं, तो वो बेसिकली होता है स्किन। किसकी वजह से होता है? स्किन की वजह से होता है, याद रखना। फ्रॉक्स बेसिकली, चलो बता दो फ्रॉक्स किसकी वजह से लेते हैं? देखो फ्रॉक्स बेसिकली स्किन की वजह से भी लेते हैं, ठीक है, और लंग्स की भी वजह से लेते हैं। आ रही बात समझ में? और ह्यूमंस बता दो, ह्यूमंस किसकी वजह से लेते हैं? अब ह्यूमंस का तो बच्चे बता ही सकते हो, हम लोग जो खुद हैं किसकी वजह से लेते हैं? लंग्स की वजह से लेते हैं। तो ये बातें हमें समझ में आ गई कि कुछ एनिमल्स जो हमने कुछ एनिमल्स के बारे में हमें समझ लिया कि कुछ एनिमल्स हैं जो बेसिकली इस तरीके से क्या करते हैं, ऑक्सीजन इस मतलब इन ऑर्गन्स की हेल्प से वो ऑक्सीजन को लेते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम इसको समझते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको बहुत अच्छे से हम लोग एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे हम गैसेज लेते हैं, कहाँ क्या जाता है, लंग्स क्या होता है ना, फेरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, ठीक है, ट्रैकिया क्या होता है, ब्रोंकी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग एकदम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और विश्वास करो बच्चे, यहाँ से आपको एग्जैक्टली क्या होता है, हम जो सांस लेते हैं तो वो हमारे इसोफेगस में ना जाकर के कहाँ चली जाती है, ठीक है, हम खाना भी क्या उसी से खाते हैं, सांस भी क्या उसी से लेते हैं, तो ये अब यहाँ से आपकी ये सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्टली एकदम क्लियर होने वाली हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेसिकली अगर हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो
सबसे पहले देखो होता क्या है। सबसे पहले हमारा जो एयर है वो टेकन इन टू द बॉडी के थ्रू, थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल मतलब नाक का जो पोर्शन है उसके थ्रू हम लेते हैं, ठीक है। कभी कभी हम अपना मुंह से भी सांस को लेते हैं, और वो भी हमारे वो जो हम जो मुंह के थ्रू जो सांस लेते हैं वो भी हमारे लंग्स में चला जाता है। लेकिन कैसे जाता है अब देखो, अच्छा थोड़ा सा और समझते हैं, समझते चलो लाइन बाई लाइन समझते चलो, ठीक है। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा कमेंट करना कि सर ये वाली पोर्शन मेरे को समझ में नहीं आएगा, और अगर समझ में आ गई तो भी कमेंट कर देना कि हाँ सर बच्चे अच्छे से समझ में आ गया है। देखो कमेंट किया करो यार, थोड़ा सा मेरे को वो मिलता है, मतलब मोटिवेशन मिलता है, आप लोग कमेंट किया करो, ठीक है, अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हो तो। ओके तो आपने कहा सर सबसे पहले हमारी जो एयर है वो कहाँ, वो कहाँ गई, हमारी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू कहाँ चली गई, हमारे लंग्स में चली गई। लेकिन अब देखो कैसे हो रहा है एग्जैक्टली, क्या जा कैसे रहा है। तो सबसे पहले आप जो सांस लेते हो अपने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, तो क्या होते हैं ना कि कुछ हमारे क्या होते हैं फाइन हेयर होते हैं हमारे उस नॉस्ट्रिल्स के अंदर, ठीक है, और कुछ म्यूकस होता है, म्यूकस मतलब एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है, आप जानते हो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो वो होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है जो कुछ जो मतलब जो भी जैसे जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स हैं एयर में वो क्या होते हैं, वो इन फाइन हेयर्स के थ्रू या फिर उस म्यूकस के थ्रू वो रुक जाते हैं और जो एयर है वो अंदर चला जाता है। अच्छा अब फिर फाइनली क्या हुआ कि अब जो फर्दर जो एयर है वो पास होता हुआ कहाँ चला गया, थ्रू द थ्रोट, थ्रोट से होता हुआ वो कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। लेकिन ये इतना आसान सा प्रोसेस नहीं है, ये इतना आसान सा आपने जो पढ़ लिया ना एनसीईआरटी जो बोल दिया ना कि भाई ये पास होता हुआ थ्रोट से चला गया लंग्स में, ख़त्म, एनसीईआरटी बस ऐसे ही बता दिया। लेकिन अब समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो आपको देखो समझने के लिए पहले तो आप इस फिगर को देखो, समझो आपका ये जो फिगर है आपके एनसीईआरटी की बुक में ये जो फिगर दिया है, पहले हम इस फिगर को समझते हैं क्या हुआ। ये हमारा बेसिकली देखो क्या है, आप अपनी बुक में देखो, ये आपका नसल पास है जिसके थ्रू आपका जो एयर है वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। अच्छा अब फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर फेरिंग्स है, यहाँ पर लैरिंग्स है, ठीक है, यहाँ पर रिंग ऑफ कार्टिलेज है, यहाँ पर ट्रैकिया है तो यहाँ पर एल्वोलाई है, ठीक है, एल्वेलाई है, ये सब तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं क्या, तो इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। ब्रोंकीज है ना, ब्रोंकी है, ब्रोंकियोल्स है, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो बच्चे देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते चलते हैं, इन चीज़ों को हम अब समझते हुए चलते हैं, ठीक है ना। देखो तो आपने कहा सर लंग्स में चला गया, लेकिन एग्जैक्टली सर कैसे गया, तो हम पहले यहाँ पे समझते हैं कि हमारे यहाँ पे जो कुछ टॉपिक हैं छोटे छोटे आपकी बुक में जो टॉपिक दिए हैं, पहले हम उन टॉपिक्स को समझते हैं। देखो सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये फेरिंग्स क्या है। तो बेसिकली फेरिंग्स क्या है, तो बेसिकली कुछ नहीं, बेसिकली होता क्या है, इट कनेक्ट द नसल एंड ओरल कैविटी विद लैरिंग्स एंड इसोफेगस। देखो दो चीज़ें समझना, देखो हमारा जो थ्रोट है तो हमारे थ्रोट में बेसिकली क्या है कि दो चीज़ें हैं, समझना ध्यान से, एक है इसोफेगस और एक है हमारा ये विंड पाइप। ओके तो बेसिकली ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स बेसिकली क्या करता है कि ये नसल को, नसल कैविटी को, ठीक है, नसल कैविटी और जो आपका ये जो ओरल कैविटी है ये उसको कनेक्ट करता है किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ लैरिंग्स। ठीक अब ये सर लैरिंग्स क्या हो गया, ये लैरिंग्स क्या चीज़ है, तो लैरिंग्स बेसिकली एक ऑर्गेन है, क्या है याद रखना, लैरिंग्स एक ऑर्गेन, देखो फेरिंग्स ऑर्गेन नहीं है, लैरिंग्स एक ऑर्गेन है। अब ये क्या करता है, तो बेसिकली ये एक हेलो मस्कुलर ऑर्गेन होता है विच फॉर्म एन एयर पास टू द लंग्स। ओके क्या करता है बेसिकली, ऐसा समझो जो हमारा जो जो ये जो लैरिंग्स है ये बेसिकली क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गेन है जो क्या करता है, जो एयर को पास कराता है कहाँ तक, कहाँ से, आपकी नसल, आपकी जो भी नोज़ है उस नोज से होता हुआ जो एयर है वो जो लंग्स में जाता है, तो वो किसके हेल्प से जाता है, वो जाता है लैरिंग्स के हेल्प से। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस समझो कि सर अब ये समझ भी नहीं आया एग्जैक्टली है क्या सर, मेरे को नहीं पता चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बच्चे बात समझो, कहता है कि बोथ एयर एंड फूड पासिस थ्रू द फेरिंग्स। देखो जो फेरिंग्स है उसमें भी फूड आता है और फेरिंग्स के पास एयर भी आता है, लेकिन लेकिन बात समझना, अब जो फूड है वो इसोफेगस से होता हुआ कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है, ये चीज़ तो पढ़े हो ना, है ना, द फेरिंग्स। अच्छा द एयर इंटर्स द लैरिंग्स। अब देखो जो एयर है मतलब जो ये जो जो आपका जो फेरिंग्स था इसमें इस जगह पर फूड भी आया और क्या आया, और आपका जो एयर है वो भी आया, लेकिन जो फूड है वो इसोफेगस के थ्रू होता हुआ कहाँ चला गया, स्टमक में चला गया, और जो एयर है वो लैरिंग से होता हुआ, ठीक है ना, वो लैरिंग से होता हुआ कहाँ चला गया, वो चला गया आपके लंग्स में, एयर आया, ठीक है, और यहाँ से मान लो आपने खाना खाया, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है तो यहाँ पर दोनों आकर के मिले, लेकिन अब यहाँ से इसके ब्रांचेज अलग हो गए, एक चला गया इस तरफ और एक चला गया इस तरफ। देखो समझ में नहीं आ रहा ना, देखो एक बढ़िया सा फिगर देखो, ये वाला फिगर आप देखो, ओके अब ये कुछ आ रहा होगा बच्चे समझ में,
ठीक है। देखो ये आपकी नसल कैविटी है, यहाँ से आपका जो सांस है वो अंदर गया, यहाँ से आपने खाना खाया, यहाँ से आपने खाना खाया और ये दोनों आकर के यहाँ पर मिले, देख रहे हो ना, यहाँ से सांस, ये जो आपकी एयर है वो भी और ये जो खाना है आपका वो दोनों यहाँ पर आकर के मिल गए। ओ ओके, ये आकर के यहाँ पर मिले। अब देखो एग्जैक्टली होगा क्या यहाँ से कि अब आपका जो एयर है वो इस लैरिंग से होता हुआ, वो इस लैरिंग से होता हुआ इस कहाँ चला जाएगा, आपके लंग के पास चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। और जो फूड है वो क्या हुआ, वो क्या होगा, वो इस इसोफेगस के थ्रू होता है। देख रहे हो यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो ट्यूब है, एक एक ये एक लैरिंग्स वाला पास है और ये एक इसोफेगस वाला पास है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ से आपका जो एयर है वो चला जाएगा लंग्स में और यहाँ से आपका जो फूड है वो चला जाएगा इसोफेगस में। ये बात आ रही समझ में? चलो अच्छा एक और फिगर देख लो, एक और बढ़िया सा फिगर है। आप कहोगे सर ये कैसे, देखो ये इतना सारा जो लिखा हुआ है सबको इसको मत देखो, ठीक है, ये सब मत देखो, देखो यहाँ से देखो, ये देख रहे हो आप, ये आपकी जो आपका ये जो माउथ था, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये देखो ये आपका ये इसोफेगस वाला पार्ट है ना, और देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका लैरिंग्स है, इसके इससे क्या होता हो, इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो एयर है वो बेसिकली कहाँ चला जाएगा, हमेशा हमारे लंग्स में चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आप देखे होगी कभी कभी अगर ऐसा हुआ, मतलब कि खाना आपने खाया और खाना वो इसोफेगस के जाने के बजाय आपके चला गया लंग्स में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी जो है वो डेथ भी कर जाते हैं। तो अब देखो होता क्या है ना कि यहाँ पे ये जो लैरिंग्स वाला ये जो ट्यूब है ना वो हमेशा खुला रहता है। इवन फील करो आप, फील करो आप मेरे साथ, फील करो अभी आप सांस ले रहे हो, ठीक है, तो आपका ये जो लैरिंग्स है ना वो अभी भी खुला हुआ है। इससे क्या हुआ कि जो लैरिंग्स है वो क्या हुआ, ये इस इसके थ्रू होता हुआ आपके लंग्स में चला गया। लेकिन अब जैसे ही अगर आपने पानी पिया, जैसे ही आपने पानी पिया या फिर आपने खाना खाया, तो वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पर एक पतली सी झिल्ली होती है, तो जैसे ही आप अंदर कुछ नीचे को गटकते हो अपने गले के अंदर, तो वैसे ये जो ट्यूब होती है ना ये बंद हो जाती है। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखना बच्चे, ठीक है। देखो जैसे ही आपने, जैसे ही आपने कुछ खाना खाया, तो ये जो ट्यूब है, जैसे ही आपने इसको खाने के अंदर ऐसे मतलब इस तरीके से अपने आपने किया, अंदर किया, तो ये जो यहाँ पे जो ट्यूब है ना वो कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। जैसे ही ये बंद हो गई, जब बंद हो गई तो अब ये जो फूड है वो इधर ना जा करके इधर चला जाता है, इसोफेगस में चला जाता है। मेरी बात आ गई समझ में? और जैसे ही जब ये खाना अंदर चला जाता है, वैसे ये जो यहाँ पे जो झिल्ली लगी हुई रहती है ये फिर से हट जाता है। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो अभी भी बहुत कुछ बचा है। ओके, तो आपने कहा सर ठीक है, हमें ये जो फेरिंग्स है, ये जो लैरिंग्स है, हमें इसका जो मतलब है, इसका जो पर्पज़ है, हमें बड़े अच्छे से समझ में आ गया, और जो एनसीईआरटी जो फिगर बना कर कैसे जो छोड़ दिया है, हमें उनका भी मतलब समझ में आ गया। आप ये फिगर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस फिगर, और इस वाले फिगर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया, ओके। अब देखो, तो आपने कहा कि सर ठीक है ये चीज़ हमें समझ में आएंगी, फेरिंग्स क्या है, लैरिंग्स क्या है, अब हम समझते हैं ये ट्रैकिया के बारे में। तो अब देखो बेसिकली ये जो आप अपने फिगर में देखो, ट्रैकिया बेसिकली क्या है, तो एक बेसिकली लंबी सी ट्यूब है जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो एयर है वो हमारे लंग्स में जाता है और वो फिर ब्रोंकी से होता हुआ वो हमारे लंग्स में चला जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखो अब हमें क्या करना है भाई, हमें अपने एयर को कहाँ तक ले जाना है, हमें अपने एयर को ले जाना है लंग्स तक। अब लंग्स की अगर हम बात करें, देखो थोड़ा सा और डिटेल में देखो समझते, चलो लाइन बाय लाइन मेरे साथ आप चलते चलो, ठीक है, जहाँ पे समझ में नहीं आए कमेंट कर दो। ओके, देखो अब हमारा ये जो ट्रैकिया है, तो बेसिकली इसमें कई सारे कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज लगभग 20 के आसपास कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली अब ये कार्टिलेज क्या करता है, ये कार्टिलेज क्या करता है, तो ये बेसिकली ये इंश्योर करता है कि जो एयर का जो कोलैप्स है वो ना हो पाए। मतलब अब ये सर ये क्या, एयर का कोलैप्स का क्या मतलब है, तो आप मेरे को ये बताओ, आप सांस लेते भी हो, लेते भी हो, और आप जो सांस है वो मतलब बाहर भी छोड़ते हो, इनटेक भी करते हो और आउटटेक भी करते हो, दोनों काम करते हो ना, तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कार्टिलेज का। मतलब देखो ऐसे समझो, थोड़ा सा इमेजिन करो, मतलब एक हाईवे है, एक गाड़ी इधर से आ रही है और एक वैन इधर से आ रही है, दोनों इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में है ना, मतलब एक सिंगल हाईवे है इस तरीके क्या है, तो कुछ वैसा ही सिस्टम यहाँ पर होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, तो अब हम बात करते हैं, तो फाइनली हमारा जो एयर है वो कहाँ पहुँच गया, लंग्स में पहुँच गया। अब हम यहाँ पे थोड़े से लंग्स को समझते हैं कि एग्जैक्टली सर ये लंग्स क्या है। तो देखो बेसिकली अब हमारा जो ह्यूमन, ठीक है, कोई भी अगर ह्यूमन है, हम हैं, आप हैं, कोई भी हो, एक छोटा सा बच्चा है या एक बहुत ही बूढ़ा आदमी है, तो उन सभी के पास क्या होते हैं, हैज़ अ पेयर ऑफ लंग, मतलब एक इस साइड होता है और एक साइड, एक दूसरे साइड। अपने एनसीईआरटी वाली फिगर में देखो, या इस वाले जो भी मैंने आपको दिखाया उस वाले फिगर में, आपका ट्रैकिया था वो क्या हुआ, फर्दर दो पार्ट में बढ़ गया, एक पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट इधर चला गया, और इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर के हमने क्या कह दिया, ब्रोंकाई। बात समझना, क्या कह दिया हमने, ब्रोंकाई कह दिया।
अब देखो फिर से ये जो ब्रोंकाई है, अब मान लो हम किसी एक लंग्स की बात कर ले, अपने इधर वाले लंग्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अब ये फिर से जो ब्रोंकाई है ये फिर से डिवाइड होगा किसी सेकेंडरी ब्रोंकाई में। देखो ब्रोंकाई जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, याद रखना, ठीक है। तो अब ये जो, अब ये वाला जो बड़ा वाला जो ब्रोंकाई है ये फिर से क्या होगा, फिर से एक सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। और देखो जैसे ये मान लो, सपोज करो कि ये जो हमारा ब्रोंकाई था ये फिर से एक सेकेंडरी ब्रोंकाई में फिर से डिवाइड हो गया। अब देखो तो ब्रोंकाई है, अब फिर से ये जो ब्रोंकाई ये फिर से एक टर्शरी ब्रोंकाई में फिर से डिवाइड होगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। एंड फर्दर फर्दर ये जो ब्रोंकाई है फिर से एक स्मॉलर ब्रोंकियोल्स में कन्वर्टेड हो जाएगा, देख लो, आगे बात समझ में। यानी कि सर मैंने कहा, देखो ऐसे समझ लो, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये वही सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, इनको स्क्रीनशॉट आप लेकर के इनका पढ़ लेना। देखो एग्जैक्टली समझो कि हुआ क्या। मैंने कहा सर मेरे पास ट्रैकिया था, ट्रैकिया फिर किसमें कन्वर्टेड, दो पार्ट में टूट गया, ब्रोंकाई, ठीक है, जिससे हमारा एक लेफ्ट लंग और एक हमारा एक राइट लंग, एक लेफ्ट लंग और एक हमारा राइट लंग बना। अब ये जो ब्रोंकाई है, मान लो हम फिर, हमने कहा कि हमारा ये जो ब्रोंकाई था फिर से फर्दर पार्ट में टूट गया, किसमें, एक सेकेंडरी ब्रोंकाई में टूट गया। एंड फिर से वो जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो फिर से एक टर्शरी ब्रोंकाई में टूट गया। एंड फर्दर हमारा फिर से जो जो ये जो टर्शरी ब्रोंकाई था वो फिर किस में टूट गया, ब्रोंकियोल्स में टूट गया, ब्रोंकियोल्स में टूट गया, ठीक है। और उन ब्रोंकियोल से क्या अटैच होते हैं, एल्वोलाई, ठीक, एल्वोलाई अटैच्ड होते हैं, क्या होते हैं, इन ब्रोंकियोल से क्या अटैच्ड होते हैं, एल्वोलाई अटैच्ड होते हैं। और इसी एल्वोलाई में हमारी जो एयर है, आपने जो भी सांस अभी जो ली है, आप जब भी इस वीडियो को, जब से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तब से वो सारी की सारी जो एयर है वो इसी एल्वोलाई में आकर के स्टोर हो जाती है। ओके इतनी बात समझ में। देखो अब आप देखो कुछ इस तरीके से समझ लो, ये आपका बड़ा सा ट्रैकिया था, ट्रैकिया फर्दर टूटा दो पार्ट में, एक इधर वाला पार्ट एक इधर वाला पार्ट, प्राइमरी ब्रोंकाई में। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई था ये फिर से दो पार्ट में टूट गया, एक इधर का पार्ट एक इधर का पार्ट, आ रही बात समझ में। फिर से ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई थी ये फिर से टूट गई, ठीक है, टर्शरी में टूट गई। अब फिर से ये जो पार्ट था वो फिर से टूट गया किसमें, ब्रोंकियोल्स में। और ब्रोंकियोल्स क्या कंटेन किया रहता है, एल्वोली और इसको एयर सैक्स कहते हैं, या जिसको आप दूसरे वर्ड में क्या कहते हो, एल्वोलाई भी कहते हो, ठीक है। तो एल्वोलाई जो है, सपोज कर लो ऐसे कि जैसे एक अंगूर है और उस ग्रेप्स का मतलब एक गुच्छा समझ लो, जैसे आप मार्केट में जब अंगूर खरीदने जाते हो ना तो उस तरीके से है कुछ, मतलब एक बलून इस टाइप का स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ सर कि आपने जब से भी अभी वीडियो देखा है तब से आपके जो ये जो एल्वोलाई है, यानी कि ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है आपके एल्वोलाई में, आपके बलून में है, वो जो ढेर सारा एयर आकर के भर गया है, ठीक। अब क्या होगा, अब एयर तो हमारे बलून में मतलब एल्वोलाई में आकर के भर गया, अब वहाँ से क्या होगा, अब देखो क्या हुआ, यानी कि आपने क्या किया, देखो अब एक समरी समझ लो, आपने क्या किया, आपने ब्रीथ लिया, आपने एयर लिया, और वो जो एयर है वो आकर के आपके लंग्स में फिल्ड हो गया, यानी कि आपका जो बलून है एकदम मस्त फूल गया है बड़ा सा। अब क्या होगा, अब देखो अब क्या होता है कि ये जो हमारे एल्वोलाई होते हैं इनके चारों तरफ, ठीक है ना, इनके चारों तरफ क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इनके चारों तरफ बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, ब्लड सेल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। देखो ऐसा माना जाता है ना कि हमारी जो बॉडी है, कम से कम अगर एक कोई ह्यूमन बॉडी है तो उस ह्यूमन बॉडी में कम से कम 10 बिलियन के आसपास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, 10 बिलियन काउंट कर सकते हो, 10 बिलियन के आसपास होती हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमारे जो, समझते रहो, देखो हमारी जो बॉडी है उस बॉडी मतलब हमारा जो ये जो एल्वोलाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा है। अब उस छोटे से एल्वोलाई को भी क्या किया, बहुत सारे अमाउंट में जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो उन एल्वोलाई को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो एल्वोलाई बेसिकली होता है, ये क्या करता है, ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए, कि भाई यहाँ पर अब इस एल्वोलाई के पास क्या होंगे, ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, और यहाँ पर गैसियस का एक्सचेंज होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, ऑक्सीजन इन करेगी, आउट करेगी, ये क्या होगा, अब यहाँ पर किस में होगा, एल्वोलाई में होगा, हेल्दी एल्वोलाई है। तो बेसिकली वो कम से कम 3 से 4 लीटर तक एयर जो है वो स्टोर करके रख सकता है, ठीक। अच्छा तो हमने कहा, हमें सर इतनी बातें समझ में आ गई कि हमारा जो एल्वोलाई है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो एक बेसिकली एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कि आओ और कचरा यहाँ पे निकाल करके चले जाओ, और यहाँ पे जो भी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ से अपने में भर के तुम बाकी जगहों पे चले जाओ। हमें इतनी बातें समझ में आ गई कि एक सरफेस दे रहा है, ठीक है, गैस के एक्सचेंज करने का, गैसेज में कौन सी दो गैसेज भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ये एक सरफेस दे रहा है, ये एक सरफेस दे रहा है ना। अच्छा अब यहाँ से अब क्या होगा, एक्सचेंज स्टार्ट होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टिश्यूज़ एंड सेल। अब यहाँ से जो गैसेज हैं वो टिश्यूज़ में एंड देन फर्दर उस टिश्यू से रिलेटेड उस सेल में जाएंगी, याद है, सेल भाई सेल स्मॉलर यूनिट, देन उसके बाद सेल से मिलकर के, सेल बहुत सारे सेल से मिला करके क्या बनता है, टिश्यूज़ बनता है। चलो तो
देखो, द वॉल ऑफ एल्विलाई कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज कैपिलरीज। ठीक है, बहुत सारे ब्लड वेसल से हमारा जो एल्विलाई, एक तो छोटा सा एल्विलाई, ये आपको बड़ा दिखा रहे हैं इसलिए आप कह रहे हो कि इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटे 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 दिख रहा है क्या ये, देखो दिख रहा है, दिख रहा है ये, ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब इन क्या है कि इन एल्वेलाई से क्या है कि बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो इसको घेरे हुए रहते हैं, इसके चारों तरफ घेरे हुए रहते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे ही हम एयर को शक करते हैं अपने नाक के थ्रू या अपने मुंह के थ्रू आपने लिया, ठीक है, वो कैसे लिया, वो आपको सारे समझ में चीज़ें आ गई हैं, तो वो फाइनली क्या हुआ, आपके लंग्स में आ गया। हम वो पीछे वाली बातों के बारे में बात नहीं करेंगे, वो चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अच्छा, लंग्स में हमारा आ गया। अब यहाँ से देखो क्या होगा, अब यहाँ से हमारा जो ब्लड है, देखो यहाँ ये वाली पॉइंट को ध्यान समझना, जो ब्लड है वो क्या करेगा, टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वेलर एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एल्वेलाई। यानी कि अब यहाँ से हमारा जो ऑक्सीजन जो आया है, जो आपने लिया है अपने लंग्स में, वहाँ से वो जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो उस ब्लड वेसल्स के, वो उस ब्लड वेसल्स में चलाएगा। भाई ब्लड वेसल्स में बेसिकली क्या होती हैं, ब्लड फ्लो करती हैं, तो ब्लड जो है वो उस ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन चला जाएगा, और फिर से इस जगह पर जो उस ब्लड वेसल में पहले से जो कार्बन डाइऑक्साइड था, वो ब्लड वेसल्स वो हमारे इस एल्वेलाई में फिर से आकर के भर जाएगा। अब ये काम हुआ कैसे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये काम होगा एग्जैक्टली डिफ्यूज़न से, सिंपल डिफ्यूज़न का यहाँ पर वर्क हो रहा है, सिंपल सा डिफ्यूज़न। देखो कैसे हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर समझो। देखो ये, अगर जिनको बातें ये समझ में आ गई उनके लिए वीडियो सफी, अगर आप समझना चाहते हो कि एग्जैक्टली हो कैसे रहा, देख लो, समझ लो, 2 मिनट लगेंगे। देखो आपने आपने सर क्या लिया, इमेजिन करो, इमेजिन करते रहना, आपने एयर को सक किया, आपके लंग्स में बहुत सारा ऑक्सीजन जो है वो आकर के जमा हो गया। अब उस एल्वेलाई में क्या है, उस एल्वेलाई के चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, ब्लड वेसल्स लगे हुए हैं, जिनमें ब्लड का फ्लो हो रहा है ना, और वो पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है उन ब्लड वेसल्स के हेल्प से। तो जब वो ब्लड वेसल्स, ठीक है, जब वो उस एल्वेलाई के पास आएंगे, तो उस ब्लड में पहले से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आया, थोड़ा सा भी लास्ट में समझेंगे, लेकिन पहले समझो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और आपके उस एल्वेलाई में क्या है, सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन है। तो मतलब कि उस ब्लड वेसल में ऑक्सीजन की कमी है, और आपके पास जो एल्वेलाई है उसमें क्या है, उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, बात समझना, आपके पास जो एल्वेलाई है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है, ऑक्सीजन है, और इसके चारों तरफ ये जो ब्लड वेसल्स गए हैं, इन ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है। क्यों कम है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, वो भी थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो अब क्या होगा, देखो सिंपल डिफ्यूज़न अप्लाई करो, ऑक्सीजन यहाँ इस एल्वेलाई में ज़्यादा है, इस ब्लड वेसल में ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन का फ्लो होगा ना, कैसे होगा, देखो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब इस एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन है वो निकल करके ये इस ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे। अच्छा, अब इस एल्वेलाई में और क्या चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है, और इस ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच अमाउंट में है। ठीक है, तो इस ब्लड वेसल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल करके इस एल्वेलाई में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बात समझ में आई फाइनली। अब जो आपने, आपकी जो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो फिर से आकर के आपके एल्वेलाई में जमा हो गई, और आप फर्दर उसको सांस के थ्रू बाहर निकाल लो। आपने सर कहा कि यहाँ से हमारे जो एल्वेलाई जो था वो बेसिकली क्या किया, उसमें जो हमारा जो ऑक्सीजन था वो ब्लड वेसल्स में चला, फिर फाइनली ये जो ब्लड वेसल्स है वो आपके पास जाएगा, हर्ट के पास, हर्ट क्या करेगा, उसको पंप करेगा। हरी बात समझ में, ये हम चीज़ें अभी आगे पढ़ेंगे, क्या पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज है ना, ये सब सारी कैपिलरी, ये सब सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। चलो फिलहाल यहाँ पे समझो, तो क्या हुआ, वो जो वेसल्स है, वो जो भी आपकी आर्टरीज है, वो उस हार्ट के पास गई, और हार्ट ने क्या किया, उस पूरे के पूरे ब्लड को पंप कर दिया आपकी पूरी बॉडी। मान लो अब ये पंप होता हुआ, ये इस यहाँ पे आपके पास एक टिश्यू था, और इस टिश्यू में एक छोटी सी कोई सेल थी, मान लो ये सेल था। अब ये क्या हुआ, ये जो ब्लड कैपिलरीज है, जो ब्लड वेसल्स है, वो इस सेल के पास आया। अब देखो, अब इस सेल में क्या, आपने पढ़ा था ना पिछले वाले टॉपिक में कि सेल बेसिकली क्या यूज़ करता है, ऑक्सीजन का यूज़ कर लेता है ना, तो यही जो ऑक्सीजन है बच्चे, बात आ गई समझ में, यहाँ से इस सेल के थ्रू, इस ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ऑक्सीजन जो गई, ठीक है, इस सेल में कैसे गई, देखो। तो अब क्या हुआ कि ये जो ब्लड कैपिलरीज है, या ये जो ब्लड वेसल्स है, इसमें ऑक्सीजन रिच अमाउंट में है, और यहाँ पर जो सेल में जो ऑक्सीजन था वो फाइनली बर्न हो गया। और आपको याद होगा कि सेल में जो ऑक्सीजन जब बर्न हो करके फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था, और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता था। तो अब इस सेल में आपके पास ये जो सेल है, इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है, और यहाँ से जो ब्लड वेसल्स जो गई है, इस ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट में और ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में कहाँ से आया है, भाई एल्वेलाई से आया है। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से भाई डिफ्यूज़न होगा, यानी कि इस ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है, और इसमें ऑक्सीजन
इसमें ऑक्सीजन कम है तो क्या होगा भाई, एक्सचेंज होगा हायर कंसंट्रेशन से, भाई इसमें ज़्यादा है तो इसमें हायर है, तो अभी ये हायर से इस लोअर की तरफ चलेगा। आ रही बात समझ में, हायर से लोअर की तरफ चलेगा, ठीक है। और जो इसमें अब क्या है, इसमें इसमें जो इस आपकी जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल फाइनली किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। और आपको पता होगा कि बेसिकली तीन कार्बन डाइऑक्साइड बनते थे, कार्बन डाइऑक्साइड के तीन तीन मॉलिक्यूल्स बनते थे, तो अब यहाँ पर जो इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। तो जब ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट, तो क्या होगा, अब फिर से क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, ठीक है, ड्यू टू सिंपल डिफ्यूज़न। हायर कंसंट्रेशन, भाई इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल में, और इस ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो फर्दर ये किसमें चला जाएगा, इस ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, और फिर से ये ब्लड वेसल्स फिर से होता हुआ आपके, फिर से ये कहाँ आ जाएगा, फिर से फाइनली ये लंग्स में आ जाएगा, ठीक है। और फिर से वही काम होगा, फिर से ये क्या करेगा, जो भी एल्वेलाई में जो भी आपने फिर से एक फ्रेश ऑक्सीजन जो भी आपने लिया है या पहले से जो भी स्टोर है, वो फिर से क्या करेगा, फिर से वहाँ से कार्बन डाई अपने ब्लड वेसल्स में से वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके बाहर रख देगा, और कहेगा भाई ऑक्सीजन जो है वो तुम मेरे अंदर फिर से आ जाओ, और फिर से यही प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूसली यही प्रोसेस फिर से होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपका जो ब्लड का जो भी सर्कुलेशन है वो हो रहा है, जो ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वो हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो एक गाना वाला सीन बन गया, कौन सा, वो गाड़ी वाला, गाड़ी वाला आया घर से, नहीं वो नहीं, मतलब गाड़ी वाला आया सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा देखो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा एक और रोल है, हमारे जो हीमोग्लोबिन होते हैं जो कि हमारे आरबीसी में जो प्रेजेंट होते हैं उनका भी कुछ बेसिकली रोल होता है। वो क्या रोल होता है, वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो जो आरबीसीज हैं उनमें बेसिकली हीमोग्लोबिन होता है। अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन अगर नहीं होगा तो ऐसा माना जाता है, ये बोला जाता है कि लगभग 3 साल, ठीक है, मतलब आपके सर के बाल से लेकर के आपके पैर के नाखून तक जो ब्लड पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो लगभग 3 साल लग जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, बड़ा अजीब है नहीं, चलो ठीक है। मतलब लंग से लेकर के, ठीक है, आपके पैर के नाखून तक जो ब्लड का जो फ्लो होना, ऑक्सीजन का जो फ्लो हो, सॉरी ऑक्सीजन का जो फ्लो होना रहेगा वो लगभग 3 ईयर्स ले लेगा अगर वो हीमोग्लोबिन नहीं रहा तो, ठीक है। इतनी बातें आ गई समझ में, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया, चलो ठीक है बच्चों, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक के साथ। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा से समझ में आया होगा, है ना, और नहीं आया है तो भी आप कमेंट करके बता दो, हाँ सर आप बहुत गंदा पढ़ा रहे हो, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या क्या बातें करते हो, ऐसा तो लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। ओके, तो फिलहाल सब चीज़ों को छोड़ते हैं और एक सिंपल सा कमेंट करके बता दो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा, ओके ना, बताओ जरूर, ज़रूर बताओ, क्योंकि अच्छा लगता है कमेंट करते हो आप लोग, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।